नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड पोस्ट पर। कोरोना की संभावित तीसरी लहर की आशंका के बीच राहत भरी खबर है। भारत में भी अब बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने देश में 2 से 18 साल के लिए कोवैक्सीन की कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दी गई है। सरकार की तरफ से इस वैक्सीन को लेकर जल्द ही गाइडलाइन जारी की जाएगी। बच्चों को कोवैक्सीन की 2 डोज दी जाएंगी। इससे पहले जाइडस कैडिला की कोरोना वैक्सीन जायकोव डी को इमरजेंसी यूज के लिए दवा नियामक DCGI से मंजूरी दी गई थी। यह 12 साल के बच्चों, किशोरों और बड़ों को लगाई जा सकेगी। भारत में बनी यह दुनिया की पहली DNA बेस्ड वैक्सीन थी। देश में अभी कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक वी टीके केवल 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को दिए जा रहे हैं। इनकी 2 खुराक दी जाती हैं, जबकि इसके विपरीत जायकोव डी 3 खुराक वाला टीका है। आपको बता दें कि इस साल जुलाई में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने संसद में बताया था कि देश में 2 कंपनियां बच्चों की कोरोना वैक्सीन की दिशा में काम कर रही हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा था कि जाइडस कैडिला ने इसे लेकर ट्रायल शुरू कर दिया है। उन्होंने बताया कि भारत बायोटेक कंपनी ने भी यह ट्रायल शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस बारे में अभी उन्हें यह अनौपचारिक रूप से सूचना मिली है। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे फटाफट सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें।